चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। धर्म स्नेही बंधुओं, पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को। रूप का मद नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं, मेरी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, मेरा मकान बहुत सुंदर है, मेरे बूट बहुत सुंदर हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्यों जाते हो? कोई पूछे तो सही, कहाँ से लिया है, बहुत अच्छा लग रहा, बस इतना सुनने को मिल गया, तुम्हारा पैसा खर्च करना सार्थक हो गया। और किसी ने पूछा नहीं, आप खूब सज धज के गए, किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा बहन जी आप बहुत अच्छी लग रही हो, या ये नहीं कहा कि आपने ये चूड़ी कहाँ से खरीदी, ये साड़ी कहाँ से खरीदी, बहुत अच्छी लग रही है। तो आप घर आके इतने गुस्सा होते हो कि आज तो बेकार हो गया मेरा सब सामान खरीदना, क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा नहीं हुई। एक अम्मा थी, कहानी आपने सुनी, फिर से याद दिला दूँ। उसने बाजूबंद बनवाया, बाजूबंद जानते ना, जो बाजू में पहनते हैं वो बाजूबंद, तो बाजूबंद बनवाया। अब पहन करके पड़ोस में गई, पल्लू ऊपर किया, किसी ने नहीं पूछा, फिर और पड़ोस में गई, उनने भी नहीं पूछा, फिर और पड़ोस में गई, उन्होंने भी नहीं पूछा। तो अब तो अम्मा को गुस्सा आ गया, किसी ने नहीं पूछा। अब घर आके इतना गुस्सा आया कि घर में जो चूल्हा जल रहा था उसकी लकड़ी उठी, यहाँ वहाँ उठा के फेंकी उसने, और जब फेंकी तो झोपड़ी थी, आग लग गई। अब आग लग गई तो लोग पानी डालने के लिए आए, कोई कहीं से पानी डाल रहा, कोई कहीं से पावो कह रही, वो फिर भी अभी उसका बाजूबंद दिखाना नहीं गया, अभी वो कह रही इधर भी डालो, कोई देख तो ले, इधर भी डालो, इस हाथ से नहीं कह रही, जिस हाथ में पहनी है उस हाथ को हिला रही है, इधर भी डालो इधर भी डालो। एक बहन जी ने पूछ लिया, बोले बहन तूने ये बाजूबंद कब बनवाया, कहाँ से बनवाया, बहुत अच्छा लग रहा। अब वो कहती है आग जली पहले पूछ लेती तो मेरे घर में आग क्यों लगती है। यानी ये दिखावा इतना ज़्यादा होता है कि इंसान अपना घात कर लेता है। जब कई बार दिखावा ज़्यादा हो जाए तो लोग उधार लेके दिखावा करते हैं, हैं शादी करते हैं ना। अब शादी में मान लो इतने पैसा नहीं है कि बढ़िया पंडाल बनवा सके, बढ़िया वो करवा सके, तो लड़के वाले कहते हैं भाई शादी बढ़िया होनी चाहिए। अब लड़की वालों के पास इतना पैसा है नहीं, अब क्या करें, तो भाई दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि लड़के वालों की डिमांड है, तो उधार लेके करते, फिर बाद में टेंशन चुकाना, यानी दुनिया भर के दुख सहन करते रहें, लेकिन एक बार तो दिखावा करना ही पड़ता है उन्हें, और ये दिखावा फिर कई वर्षों का दुख का कारण बन जाता है। तो मान कषाय, तो रूप का मद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया है ज्ञान का मद। क्या, किसका मद? ज्ञान का मद। ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं आप जानते हो? नहीं जानते ज्ञान को? ज्ञानचंद जी यहीं कहीं रहते होंगे, अरे बोलिए ना, जानते होंगे ना ज्ञानचंद जी को, तो जानते होंगे सोनागिर वाले, जानते ना। तो ज्ञान का मतलब वो ही तो होता है, नहीं होता है तो क्या होता है, हैं? ज्ञान कहते किसे हैं, ज्ञान की परिभाषा क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि ज्ञान किसे कहते हैं तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? मुझे तो वो उत्तर चाहिए कि ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान कहाँ रहता है।
ये इस माइक के पास में तो बहुत सारा ज्ञान होगा। अरे 6 महीने से प्रवचन सुन रहा है ये माइक। यदि कोई 6 महीना प्रवचन सुन ले तो ज्ञानी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आप तो दूर बैठे हो, ये माइक तो मेरे पास में ही है, ये तो दूर भी नहीं है, ये तो ज्ञानी हो गया होगा ना? अरे बोलिए ना, वो स्पीकर रखा है, स्पीकर ने भी बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, वो तो ज्ञानी हो गया होगा। नहीं तो कि कहाँ रहता है ज्ञान भाई? माइक में शब्द जा रहे कि नहीं जा रहे? स्पीकर में शब्द जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना, तो ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओहो, और आपके आपने यदि 6 महीने प्रवचन सुने तो आप ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? कुछ तो हो गए होंगे, हैं? 0 से उठ के 1 पे आ गए होंगे, 1 से 5 तक तो पहुँचे, 100 नहीं आया होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो पहुँच ही गए होंगे। तो ये माइक नहीं पहुँचा 5 तक, तो ज्ञान रहता कहाँ है? हैं? ज्ञान रहता है आत्मा में। आत्मा यानी ज्ञान और ज्ञान यानी आत्मा, है ना? ज्ञान आत्मा का गुण है, गुण गुणी के बिना नहीं रहता। अग्नि का क्या गुण है? ताप। अग्नि का क्या गुण है? उष्णता। अग्नि का गुण क्या है? अब आप अग्नि को उष्णता से अलग कर सकते हो क्या? बोले उष्णता चली गई तो अग्नि रही कहाँ? फिर अग्नि नहीं रही वो, फिर तो कुछ और ही बन गई, है ना? तो ऐसे ही ज्ञान और आत्मा है। क्या गुण है? ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण है, ठीक है? अब ज्ञान कहते किसे हैं? परिभाषा बताओ, आपके पास है कि नहीं पहले ये पूछ तो लूं, है या नहीं है? है। अच्छा, आपके पास ज्ञान यानी मनुष्यों के पास में ज्ञान है, देवों के पास में, उनके पास में है या नहीं है? एक बार सोच के बताना, थोड़ा सा अंदर विषय डालो, फिर उसको घुमाओ, मथनी की तरह चलाओ, फिर बताओ कि देवों के पास ज्ञान है या नहीं है। अभी आप कंफ्यूज हैं। हाँ जी विनोद जी, है ज्ञान है उनके पास? देवों के पास ज्ञान है? अच्छा, कंफ्यूज है। अच्छा चलो, नारकियों के पास? अब आप जब देवों में कंफ्यूज हो तो नारकियों में तो और ज़्यादा कंफ्यूज होगे, उनके पास तो हो ही नहीं सकता ज्ञान, है ना? अच्छा, ये जो गधा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, चूहा, इनके पास ज्ञान है कि नहीं है? अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं अभी भी। अच्छा, पेड़ के पास तो ज्ञान होगा ही नहीं, और अग्नि के पास? अब तो पक्का उत्तर दे दो, अग्नि के पास में ज्ञान नहीं है। 6 महीने से प्रवचन सुन रहे हो, अभी अभी मैंने बताया ज्ञान आत्मा का गुण है। 5 तरह के स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो इसमें अग्नि कायिक जीव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, जल कायिक जीव है कि नहीं है? वायु जीव है कि नहीं है? पृथ्वी जीव है कि नहीं? वनस्पति जीव है कि नहीं? जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है क्या? जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। जो चींटी चल रही है ना, उसके पास ज्ञान है या नहीं है? चींटी के पास भी ज्ञान है। अब ज्ञान का कौन उपयोग कैसे करता है ये बात अलग है, उसके अंदर उस ज्ञान के उपयोग करने की योग्यता कितनी है, उसके पास में ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता कितनी है, उसके ज्ञान का सूक्ष्म कितना है। अब जैसे वृक्ष है, वृक्ष के पास में एक इंद्रिय है, बहुत कम क्षयोपशम है। कितना? बहुत कम क्षयोपशम है। निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव के पास और कम क्षयोपशम है, लेकिन लब्ध अक्षर ज्ञान तो सदा ही उघड़ा रहता है। यदि
लब्ध अक्षर ज्ञान उघड़ा ना रहे तो जीव जड़ बन जाए। जो निगोधिया जीव है ना, निगोधिया जीव में सबसे ज़्यादा ज्ञान कब होता है? कल स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी कि एक अपर्याप्तक जो निगोधिया जीव है 6012 बार जन्म मरण कितने बार? 6012 बार लगातार करता है। उसके बाद फिर तीन मोड़ा वाला निष्कुट क्षेत्र में जाता है। निष्कुट क्षेत्र में जो तीसरे समय में उसका ज्ञान होता है वो लब्ध अक्षर का सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। किसकी बात बता रही हूँ? निगोधिया की। उससे वनस्पति में भी ज़्यादा ज्ञान है, जलकायिक में भी ज्ञान है। ज्ञान सबके पास में है। दो इंद्री लट कैचुआ बन गए, ज्ञान है कि नहीं? चलना शुरू कर दिया, रेंग रहे हैं। बिना ज्ञान के कोई चल सकता है क्या? हैं, बिना ज्ञान के खाना पीना हो सकता है क्या? नहीं, ज्ञान तो है ही। तीन इंद्री है, चींटी को क्या पसंद है? अरे बोलिए ना, नमकीन रखा है एक डिब्बे में और एक डिब्बे में मीठा रखा है। चींटियाँ कहाँ जाएंगी? मीठे में। तो ये ज्ञान कैसे हुआ कि डिब्बे में मीठा रखा है? मान लो चार डिब्बे रखे हैं और बाहर से दिखने वाला नहीं है, बंद वाला स्टील वाला डिब्बा है। तुमसे पूछा जाए ये बताओ कि इन चारों डिब्बों में से मीठा कौन से डिब्बे में है, बता पाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं बता पाओगे? चींटी से पूछ लेना, उसने किससे बताया कि मीठा किस में है? घ्राण इंद्री सूंघ करके वहां तक पहुंच गई। तो किसका उपयोग किया? ज्ञान का उपयोग किया, है ना? तो जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ज्ञान का क्षोभशम, ज्ञान करने की योग्यता भी बढ़ती जाती। मच्छर है, अभी यहाँ एक भी मच्छर नहीं घूम रहा है। अभी लाइट बंद कर दो और बिल्कुल अंधेरे में बैठ जाओ, खुशबू आ जाएगी मच्छर को। दौड़ दौड़ के भाग भाग के यहाँ से वहाँ से चले आएंगे मच्छर। बोलिए हाँ या नहीं, कैसे आया मच्छर? बोलिए, मतलब एक इतने से मच्छर के पास स्पर्शन इंद्री यानी शरीर, रसना इंद्री यानी जिह्वा, घ्राण इंद्री यानी नाक और चक्षु इंद्री यानी आँख। इतने से मच्छर के पास में नाक भी है, आँख भी है, जीभ भी है और शरीर तो है ही। अब कोई वैज्ञानिक इतने से मच्छर में कोई चार चीज़ लगा के बता दे कि उसके अंदर देखने की भी क्षमता हो, सूंघने की भी क्षमता हो, चखने की भी क्षमता हो और शरीर तो है ही, बना सकते वैज्ञानिक? नहीं, ये काम तो केवल कर्म ही कर सकता है, कर्म ही उसका निर्माण करते हैं। फिर चार इंद्री से पंचेंद्री में आओ, ज्ञान और बढ़ गया। अभी आप देखना, सर्दी का मौसम आ गया, जो गाय है ना छाए से हट के धूप में जाके बैठ जाएंगी, जितने कुत्ते हैं ना वो सारे धूप में पड़े मिलेंगे। भाई क्यों? उन्हें ज्ञान है कि ठंड में कष्ट हो रहा है, धूप में सुख मिलता है। धूप में क्या मिलता है? सुख मिलता है। खाने की चीज़ देखना, जब दो गाय या बैल के आगे घास डाली जाए तो वहाँ ज़्यादा होशियार जो बैल होता है पहले वो दूसरे वाले के साथ घास खा लेगा, फिर अपनी खाएगा, दूसरा खाने आएगा उसे भगा देगा। ये कैसे हुआ? लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, चोरी करने के लिए क्या चाहिए? बिना ज्ञान के चोरी हो सकती क्या? बिना ज्ञान के अभ्रम्य हो सकता क्या? बिना ज्ञान के झूठ बोला जा सकता है क्या? हैं, बिना ज्ञान के परिग्रह इकट्ठा होता है क्या? यानी कि चाहे पाप करना हो, चाहे पुण्य करना हो और चाहे कर्मों को काटना हो, कुछ भी करना हो, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता है। अब ज्ञान की परिभाषा बताओ। चलिए, मैंने आपको बहुत सारा दे दिया विषय, अब आप ज्ञान की परिभाषा बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? अरे अब तो बता दो,
हाँ, जो अपनी आत्मा को और बाहर की वस्तुओं को जानने और देखने में समर्थ है और कार्य करता है, उसे ज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं ज्ञान? हैं, जिसके माध्यम से आत्मा आत्मा को जानती है, जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा को जानती है, जिसके माध्यम से आत्मा बाहर की वस्तुओं को जानती है, उसे कहते हैं ज्ञान। आया समझ में? अरे बोलिए ना। यानी जो चीज़ तुम्हारे पास में है तुम्हें वो ही नहीं पता है। तुम्हारे पास है कि नहीं ज्ञान? अभी आओगे, माता जी हम तो अज्ञानी हैं, हमारे तो ज्ञान ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है माता जी। अरे बोलिए ना, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? कहते हो कि नहीं कहते हो? है ना भाई, माता जी आप ना पूजा करने का नियम मत दो, आप तो नमोकार मंत्र की माला का नियम दे दो, वो तो बचपन में सीख लिया था, पूजा करना हमें नहीं आती है, पूजा करने का ज्ञान हमें नहीं है। अरे बोलिए ना, ऐसे कहते हो ना भाई, नहीं आता है। तुमने जब जन्म लिया था तो क्या आता था तुम्हें? अरे बोलिए ना, कुछ आता था? हैं, जो खाने की चीज़ें, केला समोसा ये वो जितना जानते जानते थे, जब जन्म लिया था तब जानते थे, मकान को जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। यहीं आके तो सीखा है सब कुछ, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कैसे बना है? सीख करके बना है। जब सीख करके डॉक्टर बन सकता है तो सीख करके पूजा भक्ति स्वाध्याय क्यों नहीं हो सकता है? यदि नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ज्ञान तो मिला है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। ज्ञान का दुरुपयोग और ज्ञान का सदुपयोग। ज्ञान का सदुपयोग क्या है? पूजा करना, भक्ति करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये क्या है? ज्ञान का सदुपयोग है। और ज्ञान का दुरुपयोग क्या है? निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना और हिंसा करना, पांचों पाप ले लो, चार कषाय ले लो, राग द्वेष मोह ले लो, ये ज्ञान का दुरुपयोग है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ज्ञान आपके पास में अभी है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो या सदुपयोग कर रहे हो? अरे बोलिए ना। अच्छा, एक हर चीज़ की क्षमता देखो, है ना, कि भाई जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी की क्षमता है कि एक घंटे में 100 किलोमीटर चल सकती है। ऐसे ज्ञान की क्षमता देखो कि ज्ञान क्या क्या कर सकता है, ज्ञान के माध्यम से हमें क्या क्या मिल सकता है। अरे बोलिए ना, क्या क्या मिल सकता है ज्ञान के माध्यम से? दुख मिल सकता कि नहीं? ज्ञान दुख किससे मिलता है, ज्ञान से कि बिना ज्ञान के? बिना ज्ञान के कैसे दुख मिलेगा? बिना ज्ञान के दुख भोगोगे कैसे? भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए। भाई आपको किसी ने गाली दी तो आपको बुरा लगा, अब ये कैसे पता चला कि उसने गाली दी? हैं, उसने आपको गाली दी, ये आपको कैसे पता चला? ज्ञान से। फिर आपको दुख हुआ किससे? ज्ञान से। यानी दुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए और सुख भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब ज्ञान को दो विभागों में कर लो, एक ज्ञान एक अज्ञान। यदि ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो ज्ञान के साथ में अज्ञान लगा है, आ लगा दिया है कि तुम ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। और ज्ञान के साथ विज्ञान लगा दो तो विशेष ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान, यानी आप ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो। विज्ञान का मतलब जो भौतिकवादी वस्तुओं की खोज कर रहे हैं पुद्गल से, मैं उस विज्ञान की बात नहीं कर रही।
वीतराग विज्ञान की बात कर रही हूँ। कौन से विज्ञान की? वीतराग विज्ञान की, कि वीतराग राग रहित विज्ञान। भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। उन्होंने क्या किया है? अपने ज्ञान के माध्यम से राग द्वेष मोह का त्याग करके, वीतरागता प्राप्त करके, कर्मों का नाश करके और परमात्मा पद की प्राप्ति करी और अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। जब ये ज्ञान स्वाध्याय में, ध्यान में, आत्मा में, परमात्मा में लगता है तो विज्ञान बन जाता है, और जब ये ज्ञान बाहर लगता है तो ये अज्ञान बन जाता है। तो अभी आपके पास में कौन सा ज्ञान है? विज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान ज़्यादा है। इसका मतलब विज्ञान भी है? है। चलो, इतना तो आपको पता चल गया। शरीर में जान का, शादी में पान का और जीवन में ज्ञान का, पर्वत पर झरने का, नहीं देने में धरने का और ज्ञान प्राप्त करने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का और ज्ञान को अच्छे से समझने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और करने में भगवान की वीतरागता के दर्शन का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और भगवान के अभिषेक का, सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का। आज हमारे बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर कोटा से विनोद जी यहाँ पर आए और आप जो पारस चैनल चला कर के घर घर में जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, मैं तो दरवाज़ा खोला, माता जी हम आपको टीवी में देखते हैं, माता जी हम आपको टीवी में देखते हैं, सुबह से शाम तक जितने भक्त आते हैं सबके पास एक ही बात, तो कैसे पहचाना आपने? कैसे? क्योंकि प्रवचन के माध्यम से ज्ञान मिला है और वो ज्ञान जब आपके अंदर गया तो आपके अंदर एक उमंग, एक आनंद की लहर आई। यानी ज्ञान आनंद देता है। क्या देता है? आनंद देता है। जबकि मैं एक दिन, विनोद जी बोले माता जी आपके प्रवचन टीवी में चलवाने हैं, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चलवाने, नहीं आपके प्रवचन चलने चाहिए टीवी में, मैं चलवाऊंगा। बस उस दिन से जो प्रवचन शुरू हुए हैं, तो आज शायद 7 साल हो गए हैं, 2015 से या 16 से शुरू हुए हैं, 16 से 15 16 से है ना, पहले थोड़े थोड़े आते रहते थे, फिर उसके बाद 16 से फिर लगातार शुरू हुए। तो एक बार विनोद जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आपने जो इस तरह से जिन धर्म की प्रभावना में एक आपने अपना योगदान दिया है, ये अजर अमर अविनाशी है और ना जाने कितनों का कल्याण हो रहा है और घर बैठे ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो कहाँ, यदि प्रवचन कहीं गाँव में साधु आ जाए, अब रोटी बनानी है, अब टिफ़िन देना है, अब शाम का टाइम हो गया, अब ये हो गया, हम तो नहीं जा सकते प्रवचन सुनने, लेकिन टीवी में प्रवचन आए तो फटाफट बटन दबाई, प्रवचन शुरू और उसके बाद तुम्हारा घर भी चल रहा है और प्रवचन भी सुन रहे हो। इतनी सहजता से धर्म हो रहा है ना। तो आप लोग भी एक बार धन्यवाद जरूर देना कि आपने बहुत अच्छा किया। अभी उनके माध्यम से भी सुनेंगे कि उनके क्या अनुभव हैं, है ना। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर का। आज करीब एक बस के यात्री जबलपुर से भी आए हुए हैं। तरियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का।
रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। वातावरण में एयर का, अंग्रेजी में देयर का और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए? क्या सेवनी? रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में सेवनी का। बोलिए चौबीसों भगवान की। सबके आराध्य जाजपुर वाले बाबा मुनि सुतनाथ भगवान की, युलाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, जो बोलो आरिका भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी की, आरिका संघ की। आज बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मुझे आज कलश लेने के लिए माता जी, मेरा कलश लेने का भाव था कि माता जी के हाथों से ही कलश लूँगा मैं। 2 साल पहले माता जी कलश स्थापना पदमपुरा में हुई थी, उसके पहले अपने जहाजपुर में कलश स्थापना, एक सिंपल कलश रखते थे, आप कुप्पन से कहते थे, कुप्पन अलॉट कराते थी, कोई बोली वोली नहीं लगती थी। तो मैंने माता जी से आग्रह किया, माता जी मेरे को कलश स्थापना में अच्छा नहीं लग रहा, इसका रूप कलश रख के या मतलब 2-5 कलश तो कम से कम रखें। मैंने भावना भाई थी आपको और वो भावना अपनी पदमपुरा में पूरी हुई माता जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने भाया वो साक्षात्कार हो रहा है, पद्मपुरा में भी हुआ और सोनागिरी में हुआ, आगे भी इसी तरह से कलश स्थापना होगी, मेरी यही आशा है माता जी कि आपकी कलश स्थापना अच्छे से हो और बहुत बढ़िया हो, ताकि लोग, क्योंकि सब लोगों की कलश लेने की भावना रहती है। और कुप्पन से माता जी, एक कुप्पन किसी का निकलता है तो उसका थोड़ा सा वो हो जाता है। और माता जी आपने जो बोला प्रवचन में, पारसन के माध्यम से पूरा देश देखता है, माता जी मेरी यही भावना है कि जो घर पे और देश विदेश में जो बीमार हैं, घर पे मंदिर नहीं जा सकते, आज दिल्ली बॉम्बे माता जी 100-100 किलोमीटर दूर मंदिर रहता है, वो दर्शन नहीं कर पाते, उनको घर बैठे शांति धारा मिल जाती है। आज जो एक दिन माता जी के प्रवचन सुन लेता है माता जी, वो उसको लालयत हो जाता है कि मैं दूसरे दिन भी प्रवचन सुनूँ। और आपके प्रवचन इसी समय में आने, माता जी जो सभी जैनी घर में ब्याड़ू करने जाते हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, जो सच्चा जैनी है वो तो घर में ब्याड़ू करता ही करता है, तो वो पर अगर खाना खाने ब्याड़ू करने जाएगा तो प्रवचन जरूर देखता है माता जी। तो ऐसे समय आपके प्रवचन आते हैं, ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है और आगे भी मिलता रहे, यही हमारी कामना है। और माता जी ने अल्प समय में आपने सबने जहाजपुर का जो मंदिर देखा होगा, मुनि सुतनाथ भगवान जो विराजमान है उसकी महिमा अपरंपार है। कम समय में इतना सुंदर मंदिर, इतनी धर्मशाला, आजकल तो वहाँ पे माता जी की भावना रहती कि श्रावक जुड़े, तो उसके लिए पास में ही एक मांगलिक भवन, स्वस्ति मांगलिक भवन, जिसमें 45 कमरे हैं, एक 10,000 फुट का AC हॉल है, बाहर 3 बीघा का गार्डन है, पार्किंग है, सब, आप कोई भी वहाँ पे धार्मिक तरीके से शादी विवाह कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत कम राशि, नॉमिनल राशि रख रखी है, सारे भक्तों को देखते हुए माता जी ने कहा है कि जो माता जी के भक्त हो वहाँ जाके शादी करें। लड़के वाले लड़की वालों के लिए अलग अलग हॉल बना रखे हैं, मायरा पहनने के लिए, मतलब माता जी की सोच देखी है, हर चीज़ वहाँ पे वेल बना रखी है। ये सब माता जी का आशीर्वाद है, माता जी की कृपा है। आप भक्तों से सभी से निवेदन है कि जाजपुर बाबा के दर्शन करने जरूर पधारें, और आपकी शादी ब्याह भी वहाँ करने का मानस हो तो वहाँ कर सकते हैं और एक बार दर्शन जरूर करें हैं। जय बोलो मुनि सुतनाथ भगवान ने की। ओवे वैरागी को वंदन, ओ वैरागी को वंदन, हे वैरागी को वंदन। जीवन के किसी भी पल में वैरागी उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। ओ जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी
संसार कुतज सकता है, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, कहीं दर्पण देख वि... आज बहुत हर्ष का दिन है कि हमारे सामने व्रत लिया, हमारे सामने घर से निकली और आज आर्का दीक्षा लेने वाली है। और सबसे पहला चातुर्मास माता जी का कुरावलू में हुआ था। जब से जुड़े हैं तो छोटी छोटी सी थी, उस समय हम गए थे जब माता जी के पास, तो इनके घर में ही रुके थे और दादी 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 करती रही। अभी तक दादी करती थी, माता जी ने बहुत डांटा कि अब दादी मत बोला करो। अब वो हमारे सामने ही हमारी बच्ची आके यहाँ दीक्षा ले रही है, बहुत हर्ष की बात है। 2 साल 3 साल में दीक्षा के नज़दीक आ गई है, अब 9 तारीख को दीक्षा होने वाली है, बहुत खुशी की बात है। भगवान उनकी इतनी शक्ति दे, अपनी चर्या नियम पालन धर्म में दृढ़ता पूर्वक अपना निवारण करें और अच्छे से अपना नाम कमाएं कि भाई मैं स्वस्ति भूषण माता जी के साथ रहती हूँ तो मुझे खूब अच्छा सब अच्छा करना है। जय बोलिए आर्का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। अरतमती माता जी की अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूर्व में स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्त दीदी गुंजा दीदी नौ दिसंबर को सप्तम पट्टाचार्य गे सागर जी महाराज से आर्का दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। बहुत ही सरल स्वभावी सौम्य, हमेशा हसमुख रहने की प्रवृत्ति। 2-3 साल हम लोग यहाँ दीदी के साथ रहने का मौका मिला, बाद में भी कई बार मुलाकात भी हुई, हमें बड़ी खुशी है। और हम सब लोगों के साथ, दीदी के सौभाग्य के साथ हम सब लोगों का भी सौभाग्य है कि दीदी डायरेक्ट सीधे रूप से आर्का दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। 9 तारीख के बाद में हमसे कहीं ऊंचे स्थान पर आप विराजमान होंगी। हम भगवान के सामने, प्रभु के सामने, मेरी तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से, पूरे जहाजपुर की तरफ से भावना भाते हैं और कामना करते हैं कि जिस पथ पे आप चली हैं आप निरंतर उस पर अग्रसर रहें। आप अपना, अपने परिवार का नाम, जैन धर्म का नाम रोशन करें एवं जैन धर्म की प्रभावना संपूर्ण भारत में फैलाएं। इन्हीं मंगल भावों के साथ मैं पुनश्च दीदी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय जनेत। देखिए आपके समक्ष आप एक वैरागी की अनुमोदना करने के लिए आज आप उपस्थित हुए। पूज्य माता जी का ही एक उपकार है जीवन में कि इस वैरागी का बीज, धर्म का बीज, धर्म के संस्कार जो कुछ उत्पन्न हुए सब कुछ उसका श्रेय माता जी को जाता है। छोटी सी बच्ची थी 6 साल की जब पूज्य माता जी का प्रथम चातुर्मास मिला, तब से वो धर्म के संस्कार पूज्य माता जी से मिले। अगर माता जी जीवन में नहीं होती तो शायद संभव नहीं होता कि वो धर्म के संस्कार पढ़ पाते, क्योंकि माता जी से बचपन से इतना स्नेह था। सबके बच्चे घर में बुआ नानी के घर जाते हैं, हमारे घर में हम बुआ नानी का घर छोड़ के माता जी के पास जाते थे। बचपन पूरा माता जी के सानिध्य में बीता। माता जी से बहुत 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 ज़्यादा मोह, लेकिन वास्तव में वो इस प्रारंभ में मात्र मोह था। धीरे धीरे माताजी प्रेरणा देती रहीं और वो मोह वैराग्य में बदल गया। बस एक जीवन का ऐसा क्षण आया जब लगा कि अब स्वयं के कदम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने चाहिए। संयम का भाव शुरू से था। पूज्य माता जी का आशीर्वाद मिला जब आचार्य श्री ज्ञान सागर महर्षि जहाजपुर पधारे, तब 2 प्रतिमा के व्रत उनसे लिए। तब से भाव था कि बस इस मोक्ष पथ पे आगे बढ़ना है, अब अड़ु व्रतों से आगे बढ़कर महाव्रतों की यात्रा पूरी करनी है। संयम के बिना जीवन ऐसा है जैसे कि हमने एक मंदिर बनाया और मंदिर पर शिखर की स्थापना करना
भूल गए। बिना शिखर के जिस प्रकार मंदिर की कोई शोभा नहीं, ऐसे ही संयम है, बिना संयम के जीवन की कोई शोभा नहीं। बस भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ के चरणों में यही प्रार्थना कि भगवान बस इतनी शक्ति देना कि अपने महाव्रतों का पालन अच्छे से कर पाऊँ, अपनी चर्या को निर्दोष पालन कर पाऊँ और भगवान महावीर के पथ पर आगे विशुद्धि पूर्वक बढ़ सकूं। सभी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी मंगल भावना के साथ जय बोले देवादेव एक हर्षि मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने की जय। जय बोले परम पूज गणनीय आर्य का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।